पंचायत चुनाव 2021 के आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रत्याशी एड़ी चोटी लगाकर प्रयास कर रहे हैं और प्रत्याशियों द्वारा हर तरह की सुविधाएं ग्रामीणों को देने की अपील की जा रही है और उनको अपनी तरफ लुभाने के लिए ढेर सारे वादे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जब हम कुशीनगर जनपद के खड्डा ब्लॉक अंतर्गत हरियरपुर ग्राम सभा में, जो कि आज़ादी के 70 सालों बाद भी बेसिक सुविधाओं से अधूरा है, वहां एक प्रत्याशी से मिले तो पता चला कि यह तीसरा चुनाव है उनका, दो बार वो प्रधान रह चुके हैं। तो अभी उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन बेसिक मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो जीतते हैं तो जनता को क्या मिलेगा और उनके उस पुराने कार्यकाल में और अभी के वर्तमान के पंचायती राज के इस चुनाव में क्या अंतर है और किस तरह की समस्याएं आएंगी। नाम क्या है सर आपका? हमारा हीरामन निषाद। हीरामन निषाद नाम जी। तो इसके पहले कब प्रधान थे आप? इसके पहले सर जो मायावती की सरकार था सर, उसके पहले हम लोग थे और उसके बाद इधर कई चुनाव हो गया तो इधर हम अनुसूचित सीट आ गया सर, तो एक चेला जो था उसको बनवा दिया गया, मानो एक पढ़ा लिखा लड़का था उसको बनवा दिया गया, तो सर वही प्रधान था। तो इसी समय से जनवातन बजट यहाँ आना शुरू हुआ सर, तो नदी के आर पार के मामला है सर, बजट भी मिलता है तो पहुँच नहीं पाता है, यहाँ ब्लॉक से भी कोई अगर बजट रहता है तो पहुँच नहीं पाता है। तो सर अभी समय हम लोग मान लीजिए चुनाव के दौड़ में है सर, अभी समय हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं सर, दो बार हम भी प्रधान रहे हैं सर, तो उस समय बजट नहीं था, एकदम जीरो बैलेंस था सर। ये बताइए जब पैसा आता है बजट में, पैसा ना आता है जी, तो नदियाँ में आकर पैसा दह जाता है का? सर दह नहीं जाता है सर, वो जो ब्लॉक के माध्यम से जो पैसा होता है ना, तो वहाँ से अगर ये आदमी पहुँच बनाता है तो पहुँचता है, नहीं तो नहीं पहुँच पाता है। अच्छा, उधर खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र की है कि जो आपके ब्लॉक मुख्यालय से कनेक्टिविटी है, जो रास्ता है जी, जी, वो केवल पीपा का पुल तो बन गया लेकिन अप्रोच रोड जो है आने जाने वाला वो काफी दयनीय स्थिति में है। जी सर, वो तो बहुत हम लोग का इस समय कठिनाई करना के सामने हम लोग कर रहे हैं, कठिनाई वो परेशानी हम लोग का हो रहा है, गरीब बारहो मौजा है यहाँ, रास्ता का तो बहुत परेशानी है हम लोग का। और सर ये देखिए, वो अगर जो सरकार चाहेगा तो उस पर पुल भी बन जाएगा सर, तो हम लोग का बहुत मनो बढ़िया हो जाएगा। और मान लीजिए सर ये बंधा भी सड़क इधर सुस्ता से बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया में जो घोषित है सर, अगर वो भी हो जाए तो हम लोग का बहुत सुविधा रोड सड़क के और जो है सर हो जाएगा। बेसिक सुविधा आपके इस क्षेत्र में एक अस्पताल भी है, क्या हालत है उस अस्पताल की? सिर वो सर अस्पताल वो नहीं चलता है सर, उसी तरह से बंद पड़ा रहता है सर, कोई भी परेशानी होता है सर तो हम लोग खड्डा जाने में हम लोग का मरीज जो है रास्ते में दम तोड़ देता है सर। ये बताइए जब आप भाजपा के एक कार्यकर्ता भी हैं, आपने इन सारी समस्याओं को लेकर अपने जनप्रतिनिधियों से बात की है? जी सर, हम बताए हैं, बार बार बताए हैं सर कि देखिए डॉक्टरी नहीं चल रहा है सर, अगर डॉक्टरी वहाँ चलेगा तो सर हमारे जनता को सर वहाँ कोई परेशानी नहीं होगा। बार बार हम भी सर ये इस बात को यहाँ से जिले तक पहुँचाए हैं सर। आपके इस पूरे ग्राम सभा में एक अदद पक्की सड़क नहीं है, दो इंटरलॉकिंग और उसके अलावा टूटे फूटे खड़ंजों के अनुसार, तो आप जीतने के बाद क्या क्या करेंगे? सर हम भी जीतेंगे सर, तो यहाँ के जनता ये जान रही कि जब भी हीरामन प्रधान को सरकार आया है तो भलाई जनता को हुआ है, विकास हुआ है सर, और हम भी जीतेंगे सर तो ये जनता का बहुत बड़ा जो है विकास खींच कर लाएंगे सर, और ये इस धरती पर विकास करेंगे सर हम भी। ये आपका एक प्राइमरी स्कूल भी है आपके विद्यालय में, आपके गांव में, वहाँ अध्यापक आते हैं? सर अध्यापक बहुत कम रहते हैं सर, वह अध्यापक यहाँ बस दिखलाने के लिए आते हैं सर, और दिखला करते हैं बस, अपना पता नहीं चलता कहाँ चले गए सर। एक सवाल भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कि आप पिछले 5 सालों से मोदी जी की सरकार रही, उसके बाद फिर दोबारा सरकार है और राज्य में योगी जी की सरकार है, आप एक भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और ऐसी सरकार में भी अगर ये हालत है तो आप बताइए आप क्या करेंगे? सर क्या करेंगे सर, मान लीजिए हम लोग बार बार उन लोगों से मिलते हैं और कहते हैं सर बढ़िया से स्कूल चलाइए सर, स्कूल में बच्चे ना पढ़ने आते हैं ना सर स्कूल चल रहा है, आप लोग खुद अस्थिर नहीं रह रहे हैं तो सर स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे सर। हम लोग बार बार मास्टर लोगों से मिलते हैं, बार बार जा करके कहते हैं सर इसके बारे में। कितने परसेंट आवास और शौचालय का काम हो गया आपके गाँव में? सर अभी तो बहुत अधूरा है सर, अभी तो शौचालय भी बहुत अधूरा है सर, अभी मकान भी बहुत अधूरा है सर, अभी कहाँ काम है, पूरा काम नहीं हुआ है सर। क्षेत्र के लोगों की रोजी रोटी के साधन कौन कौन से? यहाँ सर जो यही है, रोजी रोटी के गरीबी क्षेत्र है सर, बाहर जा करके लोग अपना कमा करके सर यहाँ के लोग ले आते हैं, खेती हम लोग का है सर, तो सब कट करके विलीन हो गया सर, गंगा जी काट करके उसको विलीन कर दिया है, और इस समय बालू पड़ा हुआ है, रेता पड़ा हुआ है सर, तराई तराई लोग गरीब मचाए हैं,
वो राशन वो मिलता है तो सर उसी से अपना लोग खा पी रहे हैं सर। इस तरह से ये है ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या, और ऐसे जनप्रतिनिधि जो गांव के लिए लड़ते हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद ही अपने गांव की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, शायद इसीलिए एक पद की लालसा में चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता इनके विचारों को कितना सुनती है और जनता इनको कितना अपना सहयोग देती है और ये अपने क्षेत्र का कैसे विकास करते हैं। ऐसे ही पंचायत चुनाव संबंधित लगातार खबरों के लिए और ढेर सारी दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।